एवरीवन, तो कल के एनालिसिस में क्लियर कट मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट में सेलर्स यहाँ पे डाउन हो रहे हैं और बायर्स एक्टिव होने के चांसेस हैं, तो सेलर्स यहाँ पे थक रहे हैं, ये चीज मैंने आपके साथ क्लियर कट बोला था। और आज के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी में मूवमेंट देखिए, बैंक निफ्टी में इंट्राडे लो से इंट्राडे हाई आपका यहाँ पे 1200 पॉइंट का मूवमेंट आया है, उससे भी ज्यादा है। और इसके अलावा निफ्टी में देखेंगे 350 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट आया है, ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट आया है, देख रहे हैं आप, इस टाइप का एक स्ट्रेट मूवमेंट नीचे खुला और मार्केट सीधे ऊपर की तरफ निकल गया। निफ्टी में भी देखेंगे सेम टाइप से, आप बैंक निफ्टी में देखेंगे नीचे खुला और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया और काफी भयंकर तेजी से ऊपर की तरफ आया। इसी टाइप से आप देखेंगे येस बैंक, येस बैंक आप देख रहे हैं कि मैंने आपके साथ क्या शेयर किया था 2 महीने पहले, मैंने आपके साथ शेयर किया था ये सब लेवल पे कि येस बैंक अभी 20 रुपए आसपास में चल रहा है, आपको इसमें ऊपर के अच्छे टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। और उसके बाद देखिए येस बैंक यहाँ पे 35 रुपए आसपास, 33 का हाई लगा के आ चुका है, अभी 28 चल रहा है। एसबीआई को देखिए, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको दो फ्रेश स्टॉक्स भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज के वीडियो में, जिसमें अच्छे मूवमेंट डबल ट्रिपल होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब एसबीआई में देखिए, एसबीआई में मैंने आपके साथ पूरा एनालिसिस शेयर किया था कि देखिए एसबीआई में हमारा क्या पे एंट्री था, देखिए जबरदस्त मूवमेंट, एसबीआई में 100 पॉइंट का मूवमेंट आ चुका है, देख रहे हैं आप, यहाँ से आपका ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट आया है। और ये आवरली चार्ट है, जितना भी चार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है आवरली चार्ट है, आवरली चार्ट के बेसिस और डेली चार्ट के बेसिस पे मैंने एसबीआई में, जब एसबीआई यहाँ था इस जोन में 640 आसपास में, तो मैंने आपके साथ क्लियर कट यही व्यू शेयर किया था, आप वीडियो को जरूर देखिएगा कि यहाँ से 100 पॉइंट तक का ऊपर का मूवमेंट आ सकता है। और इसको हमको ट्रेड इन्वेस्ट करने के लिए मैंने आपके साथ क्या शेयर किया था कि इसमें क्या करना है कि यहाँ पे ऐड करेंगे, नीचे मिलेगा तो और ऐड करेंगे, ये सब पूरा लाइन आपको अगर मैं चार्ट डिस्कस करूंगा यहाँ पे, आप एक बार इसका वीकली और डेली चार्ट भी देख लीजिए, क्यों मैंने आपके साथ ये स्टॉक देखिए क्यों शेयर किया था मैंने आपके साथ, ये देख रहे कितना शानदार पैटर्न है, रॉकेट पैटर्न तो नहीं है ये रॉकेट पैटर्न दूसरे जगह था, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप इस चीज को समझिए, देखिए यहाँ पे ये शानदार आपका एक अप ट्रेंड, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक कप एंड हैंडल टाइप का फॉर्मेशन, और उसके बाद इसका ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद मैंने आपके साथ यहाँ पे एंट्री करने के लिए बोला, यहाँ पे देखिए एंट्री हुआ, नीचे आया और ब्रेकआउट रिटेस्ट यहाँ पे और ऐड हुआ, और उसके बाद देखिए ये जो हमारा ऊपर का टारगेट था लगभग टारगेट के आसपास में पहुंच चुका है। तो इस प्रकार के एनालिसिस को आप समझिएगा तो ये जो स्ट्रेट मूवमेंट है ना, कितना जबरदस्त मूवमेंट आपको मिला। अगर आपने यहाँ पे 100 रुपये आपको 630-640 आसपास में खरीदा, नीचे मिला और ऐड किया, और अब देखिए आपको 730-740 का रेट मिल रहा है और आपका टारगेट भी अचीव हो चुका है। अब इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके अब इसमें अगर नीचे आता है तो एग्जिट करेंगे, अदरवाइज देखिए जब तक टारगेट नहीं अचीव हो जाता है ना, तो एग्जिट करने का प्लान नहीं करना चाहिए, 50% कर सकते हैं और यहाँ पे आपको फाइनल एग्जिट नहीं करना होगा, 70-80% बाकी कुछ क्वांटिटी रख सकते हैं आप, ठीक है। सेम टाइप से आप अगर कुछ और स्टॉक्स में देखेंगे, डीएलएफ में जबरदस्त मूवमेंट लगातार चल रहा है, और डीएलएफ का वीकली चार्ट में देखिए क्या ये मतलब क्या इस टाइप का मूवमेंट, अगर आपको यहाँ पे जोन में था ना, मैंने आपको इतना बार बताया था कि डीएलएफ ब्लाइंड बाय है, डीएलएफ को बाय करना है, बाय करना है। डीएलएफ उस टाइम देखिए 200-300 के जोन में चल रहा था, आज डीएलएफ का रेट क्या है, ये 800-900 के जोन में है, और ये कितना दिन हुआ है, ये आपका ये 1 साल से भी कम टाइम में हुआ है। तो स्टॉक्स 2 गुना 3 गुना कोई भी अच्छे स्टॉक्स भी आसानी से हो सकते हैं, उसको आपको समझना जरूरी होता है कि क्यों इस टाइप से होता है, क्या स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। अगर मैं वही बात करूं यहाँ पे देखिए फ्रेश स्टॉक्स की कौन से हैं, तो उससे पहले मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। देखिए निफ्टी में क्या है कि मैंने आपके साथ ये वीकली चार्ट में शेयर किया कि यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है ये एक हमारा कंसोलिडेशन जोन है। क्यों कंसोलिडेशन या करेक्शन जोन है, क्योंकि हमारा एवरेजेस स्टेज हो चुके हैं, यहाँ पे रेड कैंडल बना था, तभी मैंने आपके साथ ये चीज शेयर कर दिया था। अब क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पर टाइम पास कर चुका है, अब ये देखिए एवरेज अभी भी दूर है, ठीक है। कई बार आप ये चीज देखें कि ब्रेकआउट हो गया तो निकल जाता है एवरेज, फिर वापस फिर से यहाँ पर कुछ ना कुछ और सपोर्ट आएगा तो थोड़ा सा मूवमेंट आ सकता है। तो आपको देखिए ऐसा बायर आपको क्या करना होता है कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे और ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये एवरेज दूर होते हैं तो वहां पर स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्ट रखना होता है, क्योंकि नीचे मिलेगा तो और काफी नीचे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि इसका डेली चार्ट को एक बार समझिए, देखिए क्लियर कट मैंने आपके साथ क्या शेयर किया है कि यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन टाइप का दिखाई दे रहा है, और कल के दिन में देखिए क्या हुआ, एक छोटा कैंडल बना था, लेकिन आज के दिन में क्या हुआ मार्केट में, देखिए नीचे आया और नीचे से स्पीड में खींच गया मार्केट, स्पीड में खींचने के बाद ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास में आ गया। तो ये डेली कैंडल में क्या हो रहा है कि प्राइस इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है। अब हमें यहाँ पे कुछ कुछ क्लियर सिग्नल आ रहा है, अगर जो जो रिस्की ट्रेडर है वो क्या कर सकते हैं, ये जो 2 दिन का लो बनाया है, आप आवर्ली चार्ट इसको समझिए, ये 2 दिन का लो, इस लो को आप रख लीजिए
और उसके अलावा ये जो 1000 पॉइंट है, ये 1000 पॉइंट का ये जो पूरा रेंज बना है ना, ये आपका एक ऊपर की तरफ का टारगेट हो सकता है, तो 200 पॉइंट और भी मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारा जो मूवमेंट आएगा तो 23,000 के आसपास में निफ्टी जा सकता है, और 23,000 जाने से पहले हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, 21,500। करंट लेवल है 21,840। तो जो रिस्की ट्रेडर है ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट अभी भी सेलर्स के ही कंट्रोल में है। लेकिन क्या है कि आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो आप कर सकते हैं। मिनिमम टारगेट यहाँ तक रहेगा, तो यहाँ तक में आपका जो है ये कॉस्ट कम हो जाएगा। उसके बाद अगर ये कंटिन्यू करता है तो एक अच्छा टारगेट के लिए हमें मिलेगा। उसके बाद कुछ भी अगर टारगेट होगा तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी हम मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है कि देखिए दोनों तरफ का मूवमेंट अभी भी ये रेंज में ही है, दोनों तरफ का व्यू बनता है। मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है कि जब मार्केट रेंज में फंस जाए तो आपको नीचे के टारगेट भी ध्यान देना चाहिए और ऊपर का भी ध्यान देना चाहिए। जिधर की तरफ निकले उधर की तरफ का आपको ट्रेड को क्लियर कट समझना चाहिए, ठीक है। इसमें ब्रेकआउट फेलियर वगैरह भी होते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप सपोर्ट पे बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे तो कॉस्ट की कटिंग हो जाएगी। तो अगर ब्रेकआउट फेलियर वगैरह भी होते हैं तो उसमें आपको लॉसेस कम होंगे। इसीलिए यह सब चीज मैं आपके साथ लगातार शेयर करता हूँ। सेम टाइप से अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, डेली चार्ट देखिए क्लियर कट, मैंने आपके साथ कल भी यही शेयर किया था कि बैंक निफ्टी एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आके यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, तो नीचे जाने में इसको प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करेगा कि ऊपर की तरफ का मूवमेंट दे सकता है। और देखिए ऊपर की तरफ का मूवमेंट दे रहा है। अब देखिए कहाँ तक टारगेट होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये जो है ये काफी एक डिफिकल्ट जोन में है मार्केट। तो यहाँ से अभी मार्केट निकला नहीं है तो बड़ा टारगेट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर ये निकल गया तो फिर ये जो प्रीवियस हाई है यहाँ तक तो जाएगा ही। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेलर्स थोड़ा सा कम हुए हैं और बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी क्लियर नहीं हुआ है, जैसे ही क्लियर होगा ब्रेकआउट होने के बाद ही पता चलता है कि इसमें मूवमेंट कितना स्पीड में आ रहा है, ठीक है। तो ब्रेकआउट वगैरह पे आप जरूर ध्यान रखें और इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे, क्योंकि अब जो यहाँ पे सेलर्स में आप एक्टिव होने की बात कर रहा था वो थोड़ा थोड़ा अब यहाँ पे व्यू चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब जो अग्रेसिव सेलिंग या फिर सेलिंग के बारे में जो प्लान कर रहे थे उसको अब थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आवर्ली चार्ट में समझिए एक बार, जब सेलर्स को अगर मार्केट को नीचे ले जाना था ना तो इतना अच्छा मौका नहीं मिलता। देखिए ये इस टाइप से एक शानदार तरीके से यहाँ पे नीचे आया, यहाँ से ये कंटिन्यू करके नीचे ही जा सकता था, लेकिन मैंने आपको कल ही बताया कि यहाँ पे सेलर्स थक चुके हैं। तो थक चुके हैं तो यहाँ पे जैसे ही बायर्स को मौका मिला ऊपर की तरफ प्राइस खींच लिए और इस लेवल का ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट हो गया और ऊपर भी मूवमेंट आ गया। अब इसका मतलब ये बहुत ही स्पीड में ऊपर निकल जाएगा ऐसा भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके लिए उतना अग्रेसिव ट्रेड तो नहीं करना है। हाँ, लेकिन अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा बाइंग के बाय वन डिप्स वाला मार्केट बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये वाला स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता, आप ध्यान में रखिए ये वाला जब तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता तब हम इसमें बाय वन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। अगर ये अगर नीचे जाएगा तो वापस हमारा जो जो वीकली चार्ट में जो सेलिंग वाला पैटर्न है वही एक्टिव रहेगा, तो उसके बाद फिर से यहाँ से नीचे सेलिंग हो सकता है। और कल भी मैंने आपको यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहे हैं तो ये जो लो है बहुत ही स्ट्रोंग सपोर्ट की तरह काम करेगा। और देखिए आज के दिन में क्या हुआ है, सेम टाइप से आज यहाँ पे भी हैमर कैंडल बन गया और उसके बाद वापस देखिए प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया। सेम टाइप से बैंक निफ्टी में देखेंगे आवर्ली चार्ट में बहुत ही शानदार तरीके से देखिए प्राइस क्या हुआ, मतलब नीचे जाने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है, नीचे भी जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि उतना सेलर्स उतना स्ट्रोंग नहीं तरीके से नीचे ले जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए बाइंग के पैटर्न कल ही में मैंने आपको बताया था, और देखिए यहाँ पे ये बाइंग का पैटर्न क्लियर कट यहाँ पे बन रहा है, ये रेजिस्टेंस है, इसके चलते प्राइस इस जगह टाइम पास कर रहा है। तो कई बार इस टाइप के बाइंग के पैटर्न फेल भी होते हैं, यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस से पहले इस टाइप से करता है, इसीलिए मैं इसको अग्रेसिव तरीके से तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट में अब जो है सेलर्स थक चुके हैं, बायर्स ही एक्टिव है। तो जब फिर से अगर कोई सेलर्स एक्टिव होते हुए दिखाई देते हैं तो जरूर मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर करूंगा। अब एक दो स्टॉक्स देख लेते हैं जिसमें अच्छा मूवमेंट आने के चांसेस हैं। तो एक स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम। डिस्क्लेमर यह है कि ये सब एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए। यहाँ पे मैं जो चार्ट पे चीजें दिखाई देती है उसके बेसिस पे डिस्कस करता हूँ कि चार्ट में क्या क्या सिग्नल आ रहा है और इसके बेसिस पे ट्रेड या इन्वेस्ट करेंगे तो क्या क्या आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। तो एक स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम, इसका आप मंथली चार्ट देखिए तब आपको अच्छी तरह समझ में आया कि मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये देखिए मंथली चार्ट में आपको कितना जबरदस्त तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पूरा क्या है, ये आप देखेंगे 2008 से अभी तक यानी कि ये लगभग 15 साल से एक ही रेंज में है। ये इस 15 साल का जो रेंज है ना इसका, जैसे SBI में ब्रेकआउट हुआ था 200-250 का लेवल था, आज SBI 800-700-800 आ चुका है। तो ये भी देखिए 150-200 चल रहा है, तो ये भी अगर लॉन्ग टर्म में हमें 500 के ऊपर दिखाई दे तो उसमें भी हमें कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर इस टाइप से बना हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर को समझिए, क्या क्या टारगेट होंगे वो तो एक मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैंने आपको एक जनरल एजम्पशन बता दिया।
टारगेट देखिए मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, आप चाहे तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इसको एनालिसिस किया जाता है, अब समझिए इसको। ये जो मार्केट है इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चार्ट में मंथली चार्ट है, ये देखिए ऊपर की तरफ प्राइस आया, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर आया, फिर से ये नीचे आया, नीचे आया 20-25 के जोन में आया, फिर से ऊपर आया, फिर से नीचे, फिर से इस टाइप से ऊपर, फिर नीचे, फिर इस टाइप से ऊपर और फिर नीचे, और फिर ये देखिए अब ये जो है कोशिश कर रहा है कि इस लेवल को तोड़ दे। देखिए कई बार ये होता है कि ये लेवल को तोड़ के यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर नीचे आ जाता है, वापस जाता है, ठीक है। इसलिए स्टॉप लॉस को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप यहाँ पे ऐड करते हैं, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए मंथली चार्ट के बेसिस पे, डेली चार्ट में और भी वहाँ पे स्विंग वगैरह भी दिखाई देते हैं, तो कम से कम आपको ये स्टॉप लॉस तक आपको एवरेज करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो आपका 150 के ऊपर प्राइस चल रहा है, नीचे का जो लेवल है ये आपका 70-80 का लेवल आ रहा है, तो ये 70-80 के लेवल तक अगर वापस मिलेगा तब भी ऐड ही करना होता है। इसीलिए थोड़ा इसमें क्या होता है कि टारगेट क्योंकि आपको बड़ा मिल रहा है, तो आपको जो मोमेंटम होता है नीचे ऊपर दोनों साइड को आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे देखिए ये जो मंथली चार्ट में जो स्ट्रक्चर ये बनाया है ना, ये मंथली चार्ट का स्ट्रक्चर काफी शानदार है। आप कम से कम इस रेंज को भी देखेंगे और इस रेंज को भी ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। ये नीचे देखिए यहाँ से ये अगर रेंज को ऊपर उठा के आप रख देते हैं तो आपको ये सिंपल क्या टारगेट दिखाई देता है, देख रहा, ये देखिए आपका 560 यानी कि 500 के ऊपर का टारगेट सिंपल दिख रहा है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बड़ा रेंज एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये जो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है ना ये आपको एक अच्छा मोमेंट देता है। इससे पहले देखिए इस स्टॉक को मैं पहली बार आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मल्टीपल टाइम्स जब भी इसमें एंट्री के सेटअप आए हैं मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो उसी टाइप से यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति इसमें शानदार तरीके से काम कर सकता है, टारगेट हमारा काफी ऊपर का है, तो ये 2 गुना 3 गुना होने के चांसेस इस स्टॉक में आसानी से दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये जरूर नहीं कि तुरंत से हो जाएगा, और ये हो भी सकता है कि तुरंत भी हो जाए, तो उसके हिसाब से आपको टारगेट को ध्यान में रखना है कि क्या है, और उस जो प्राइस एक्शन डेली वीकली चार्ट में बन रहा है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं और दूसरा स्टॉक का, तो दूसरा स्टॉक है सेल। सेल में भी देखिए मंथली चार्ट में सेम टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और सेल और ये नेशनल एल्यूमिनियम दोनों लगभग एक ही कैटेगरी के स्टॉक हैं। अब इसमें देखिए क्या है कि ये जो 2003-04 से 2007 का जो रैली बना था ना, इसमें सेल वेल ये सब स्टॉक्स काफी अच्छे तरीके से चले थे, लेकिन ये इसके बाद क्या किया कि पूरे ये भी देखिए इसमें क्या है कि 2008-07-08 का जो ये हाई है उसको भी नहीं पार करने पाया है, तो ये देखिए एक लॉन्ग टर्म करेक्शन इनका ये पूरा जो है चार्ट में चल रहा है, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग टर्म 10-15 साल का करेक्शन जब खत्म होता है ना, तो जब स्टॉक्स निकलते हैं तो एक बहुत ही मतलब मस्त मूवमेंट देते हैं, और उसमें आपको बहुत ही अच्छा पैसा बनता है, तो इसलिए सब स्टॉक्स को आप ध्यान में रख सकते हैं। स्ट्रक्चर सेम टाइप से है, ये देखिए इसको टारगेट निकालने का तरीका भी वही है जो यहाँ पे निकाल के दिखाया हुआ है। आप इसको पोल एंड फ्लैग टाइप का भी फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं, अगर आप नहीं भी कहेंगे तो कम से कम ये जो रेंज है इस रेंज का अगर ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये देखिए टारगेट इसमें छोटे छोटे भी बनेंगे आपको, ये सब जो है प्रीवियस हाई ये सब भी आपको टारगेट बनेंगे, लेकिन मैं आपको एक नेट फाइनल टारगेट की बात कर रहा हूँ कि यहां तक स्टॉक जाने के लिए रेडी है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है।